जो हम लोग का जब पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिकल फॉर्म। ओके, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम डायमेट्रिकल फॉर्म क्या फॉर्मूला था बच्चों? ये सर्कल का है दो डायमीटर, हाँ डायमीटर का एंड पॉइंट देता है। ओके ओके, ये द्वारा डायमीटर का एंड पॉइंट देता है। सपोज ये एक्स वन और क्या वाई वन है, और ये एक्स टू और वाई टू है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिकल फॉर्म क्या फॉर्मूला है बच्चों? एक्स वाई एक तो आर्बिटरी पॉइंट लोगे बच्चों, क्या फॉर्मूला बोलिए? इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिकल फॉर्म फॉर्मूला बोलो। एक्स माइनस कितना? एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन होल एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स, उसके बाद प्लस वाई माइनस वाई वन होल इनटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वल टू पर नहीं, आर स्क्वायर नहीं, जीरो होता है। ओके ठीक है, जीरो। तो देखिए इसी पर एक प्रॉब्लम देखिए। ओके, ये लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम किए थे। ओके, आज भी थोड़ा एक दो करके फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर एक इक्वेशन पे ये दिया है, किसका? हमारा लाइन का दिया है। ओके, थ्री एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू 21। ओके, इसको ड्रॉ करोगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म आपका ऐसा होता है, एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट, वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू वन। राइट साइड पर वन बनाना है, मीन्स 21 डिवाइड करोगे, इधर भी 21 डिवाइड करोगे, इधर भी 21 डिवाइड करोगे। ओके, इधर भी 21 डिवाइड करोगे, इधर भी 21 डिवाइड करोगे, तो क्या आएगा? एक्स का इंटरसेप्ट कितना आएगा? कितना? 7। वाई का इंटरसेप्ट कितना आएगा? तो ये आएगा इक्वल टू कितना? ठीक है, एक्स का इंटरसेप्ट आपका 7 आएगा, वाई का इंटरसेप्ट। ओके, तो एक्स का इंटरसेप्ट 7 आएगा, ओके, वाई का इंटरसेप्ट 3 आएगा। ओके, यानी ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है आपका? 3x प्लस 7y प्लस 21, इसका इक्वेशन। ओके, ये इस लाइन का इक्वेशन ये है, 3x प्लस 2 हाँ 7y 21। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि एक सर्कल पास कर रहा है जो कि ओरिजिन, ओके, ए और बी में। ओके, देन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल बोल रहा है। ओके, ये ओरिजिन दे के जा रहा है और ए पॉइंट्स और बी पॉइंट्स दे के जा रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, जब बच्चों ये तुम्हारा कितना डिग्री रहेगा बच्चों? ये कितना डिग्री आपका आएगा? 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री आएगा तो ए बी क्या बनेगा? अरे 90 डिग्री बनेगा तो ए बी क्या बनेगा बोलो? अरे एंगल ऑन द सेमी सर्कल कितना होता है? अरे एंगल ऑन द सेमी सर्कल 90 डिग्री, तो ए बी क्या बनेगा? डायमीटर बनेगा। ओके, ए कोऑर्डिनेट तुम्हारा कितना? 0 3। बी कोऑर्डिनेट कितना? 7 0। ओके, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल डायमेट्रिकल फॉर्म में बनाओ, कितना आएगा? और ये बच्चे जब 90 है एंगल ऑन द सेमी सर्कल, ए बी डायमीटर बनेंगे। ओके, तो बनाओ इक्वेशन ऑफ सर्कल डायमेट्रिकल फॉर्म में, फॉर्मूला है क्या? एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, ओके, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू। ओके, बनाइए, ये आपका एक्स वन है और ये आपका एक्स टू है। ओके, एक्स माइनस एक्स वन और क्या, फिर एक्स माइनस एक्स टू, ओके, प्लस वाई माइनस वाई वन। ओके, ये वाई माइनस थ्री इंटू वाई माइनस वाई टू, वाई माइनस जीरो इक्वल टू कितना आपका? ये 0। ठीक है, यानी आपका कितना बन रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स। ओके, और ये आपका वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई। ओके, इक्वल टू 0। देन तुम्हारा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास हम पढ़े थे इक्वेशन ऑफ सर्कल डायमेट्रिकल फॉर्म। ओके, ये हमारा फॉर्मूला था। ओके, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। ओके ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है। ओके, और एक क्वेश्चन है। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज पासिंग थ्रू द 10 एंड 01। ओके, एक सर्कल जो है पास कर रहा है कि एक्स का 10। ओके, एक्स का 10, वाई का 01। ओके, वाई का 01। ओके,
x ka 1 0 y ka 0 1 then the it has the radius small as possible okay ye radius iska as small as possible means okay ye diameter banega bachcho okay radius as soon as possible means ye diameter banega याद रखो जब वो बोल रहा है कि रेडियस आप सुना पॉसिबल और डायमीटर बनेगा तो मीन से जरूरी है तुम्हारा ये सपोज ले लेते हैं ओके 90 डिग्री ले लेते हैं ओके एक बात ध्यान रखिए रेडियस आज सुन आज पॉसिबल जब बोलता है डायमीटर बनेगा देन बनाओ बच्चे इक्वेशन ऑफ एबी बोलो देन इक्वेशन ऑफ एबी बोलो क्या आएगा उसी फॉर्मूला में क्या एक्स माइनस जीरो एक्स माइनस वन ओके फिर वाई माइनस वन ये वाई माइनस जीरो इक्वल टू क्या जीरो ओके ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज डायमेट्रिकल फॉर्म एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो ओके नेक्स्ट बच्चों देखिए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पैरामेट्रिक फॉर्म ओके तो देखिए ये इक्वेशन ऑफ सर्कल पैरामेट्रिक फॉर्म ये है कि ये पैरामीटर एक्स और वाई का वैल्यू आता है ओके सो अगर तुम्हारा ये देखिए हम लोग का पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल में पैरामेट्रिक फॉर्म ओके तो देखो ये वाला हमारा सर्कल है ओके ये आपका थीटा है यहाँ पर थीटा है ओके ठीक है ये आपका थीटा रहता है ओके ठीक है देन यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट रहता है तुम्हारा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ओके देन इक्वेशन ऑफ सर्कल हम पैरामेट्रिक फॉर्म हम करेंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा तुम्हारा ये सपोज ये तुम्हारा ये लेंथ तुम्हारा एक्स ये तुम्हारा अगर एक्स वाई है ये लेंथ आपका एक्स आएगा और ये हाइट आपका वाई आएगा ओके देन तुम्हारा ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर आएगा ओके इसको आर ले लीजिए ओके तो देखिए हमारा एक्स द्वारा क्या होता है तुम्हारा कॉस थीटा क्या होता है हमारा फॉर्मूला कॉस थीटा बी बाई एच होता है ओके कॉस थीटा बी बाई एच होता है हमारा एक्स जो है उसी को पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एक्स का ऐसा पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं ओके बच्चों कॉस थीटा बी बाई एच होता है ओके ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है ओके तो कॉस थीटा बी बाई एच होता है ओके देन तुम्हारा एक्स इक्वल आर कॉस थीटा इसी तरह तुम्हारा क्या होता है योर साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच होता है ओके पी आपका वाई है हाइपोटेनस आपका आर है ओके हमारा वाई इक्वल जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं ओके ठीक है तो बच्चों ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हुआ तुम्हारा ओके अच्छा इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल ओरिजिन में क्या होता है पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल जब सेंटर देता है क्या होता है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ओके और ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्या होता है ना ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करोगे करेगा ओके बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म जो है एक्स और वाई जो है वो हमेशा एक्स इक्वल टू वाई निकालना है पैरामेट्रिक फॉर्म ओके ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या करता है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ठीक है एक्स इक्वल दिस इसको कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म देखिए पुट कीजिए एक्स इक्वल पुट कीजिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा वाई का वैल्यू पुट कीजिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा ओके और साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर कॉमन जाने से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाइए ओके ये पैरामेट्रिक फॉर्म इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है जब इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसा होता है ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म ऐसा बनेगा ठीक है जब इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसा होता है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म ऐसा होता है और ये जब इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर अगर एच के रहता है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म सेम थिंग है आर कॉस थीटा इसमें एच और के आड हो जाता है मीन्स तुम्हारा देखिए ये हमारा सेंटर अगर एच के होता है ओके अगर ये सेंटर आपका एच के होता है ओके तो हमारा पता है तुम्हारा ये इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना मैडम ओके ये तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर छुआरा नाम लिखिए ओके तो ये बच्चों क्या होता है ये ऐसा जब रहता है एच प्लस आर कॉस थीटा ओके अगर इक्वेशन सर्कल ऐसा रहता है ये होता है
और ये आपका जनरल फॉर्म रहता है। हाँ, आप सेंटर जानते हैं, जो जनरल फॉर्म में सेंटर क्या होता है? ओके, सेंटर का एक एक्सपोनेंट ही ऐड होता है, यहाँ पर सेंटर का एक्सपोनेंट ही ऐड होता है। ओके, तो ये एच प्लस आर कॉस थीटा, और ये, और बच्चों ये पुट करोगे ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये एक्स वाई इसमें पुट करोगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर भी तुम्हें पुट करोगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बच्चों ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। ओके, ये थोड़ा लिख लीजिए, थोड़ा ये आर कॉस थीटा, एक्स एंड वाई होता है आपका इक्वेशन ऑफ ये, और पैरामेट्रिक फॉर्म एक्स इक्वल टू ऐसा रहता है हमेशा, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू रहता है, और ये पैरामेट्रिक फॉर्म जब इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करोगे आपका इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा बच्चों। ओके, बच्चों फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पर एच के सेंटर होता है। ओके, आर कॉस थीटा हर ये है यहाँ पर। ओके, क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट हो गया, पहले ये था, पहले यहाँ पर ओरिजिन में था सर्कल। ओके, यहाँ पर जब ओरिजिन में था पैरामेट्रिक आया था आर कॉस थीटा, ये जब ये तुम्हारा सेंटर से सर्कल शिफ्ट हो गया एच के को, तो प्लस एच आड हो जा रहा है। ओके, प्लस एच आड जो आड हो रहा है, और वाई का प्लस के आड हो रहा है सेंटर से जब एच के को शिफ्ट कर लिया। बच्चे लिख दिए, चलिए क्वेश्चन देखिए। ये बोला राइट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट इन पैरामेट्रिक फॉर्म बच्चों हमेशा एक्स इक्वल टू रहता है और वाई इक्वल टू रहता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में हमेशा एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू। ओके, देखिए ये आपका सर्कल है, इसका ये 9x² प्लस वाई, 9y² इक्वल क्या दिया आपका 25, 9 कॉमन ले लीजिए, x² प्लस y² इक्वल टू 25। ओके, देन आपका x² प्लस y² कितना होता है आपका 25/9। अच्छा बच्चे इस फॉर्म में आएगा x² प्लस y² इक्वल टू r² ओके, x² प्लस y² इक्वल टू r² आर आपका 5/3 का होल स्क्वायर। ओके ओके बच्चों जब भी तुम्हारा ऐसा है तो इसका सेंटर ओरिजिन होता है। ओके, इसका सेंटर ओरिजिन होता है, रेडियस 5/3 है, तो इसका क्या पैरामेट्रिक फॉर्म है x इक्वल टू, बच्चों इसका क्या पैरामेट्रिक फॉर्म है जब ऐसा है? ओके, क्या बोलिए, x इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, आर कॉस थीटा। ओके, आपका आर कितना 5/3, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, और ये वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, और तुम जब ये आर साइन थीटा, ओके, और जब ये पॉइंट, ओके, जब ये कोऑर्डिनेट तुम इस इक्वेशन में पुट करोगे, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये एक्स वाई इस इक्वेशन में पुट करोगे सेटिस्फाई करेगा, यहाँ थीटा कुछ नहीं दिया है तो ऐसे ही रहेगा, और पैरामेट्रिक फॉर्म हमेशा एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू। ओके, और वो कोऑर्डिनेट जो है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों ऐसा है, जब हमारा इक्वेशन जब भी ऐसा होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसका सेंटर क्या होता है बच्चों, कौन बोलेगा इसका सेंटर क्या होता है? अरे सेंटर क्या होता है बोलो, अरे बोलो सेंटर क्या होता है, माइनस जी और क्या, माइनस एफ होता है। ओके, और आर क्या होता है बच्चों, g² प्लस f² माइनस c का क्या रूट ओवर होता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू होता है माइनस जी प्लस कितना आर कॉस थीटा। ओके, आर कौन है, ये है। ओके, आर कॉस थीटा माइनस जी। ओके, आर कॉस थीटा आर ये लिख सकते हो। ओके, और तुम्हारा वाई इक्वल क्या होता है, माइनस एफ प्लस आर कॉस थीटा, आर कौन है ये लिखोगे। ओके, दैट इज कितना, g² प्लस कितना f² माइनस सी कॉस थीटा। ओके, तो बच्चों ये आपका इक्वेशन पे सर्कल कौन सा फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, यही करना है बच्चों। ओके, तो बच्चों ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया है। ओके, इसमें सेंटर एंड रेडियस निकालना है, ये 3x² प्लस 3y² माइनस 4x², ओके, माइनस 6y माइनस 4 इक्वल टू 0। बच्चों जब भी तो ऐसा रहता है इक्वेशन सर्कल, तभी डिफाइंड होता है जब ये दोनों सेम होता है, x² कोफिशिएंट y² का कोफिशिएंट सेम होता है, तभी इक्वेशन सर्कल डिफाइंड होता है। इसमें पहला 3 डिवाइड पहले कर दो बच्चों, इसमें पहला 3 डिवाइड कर दो। ओके, 3 डिवाइड कर दीजिए, 3 डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो बच्चे x² प्लस कितना y² ये कितना आ रहा है, x² प्लस y² माइनस 4 2gx बच्चों था,
ये कुछ में क्वेश्चन गलत का माइनस फोर एक्स है, माइनस फोर एक्स ओके, तो ये कितना हो रहा है माइनस फोर बाय थ्री एक्स ओके, माइनस फोर बाय थ्री एक्स और ये आपका माइनस टू वाई, माइनस फोर बाय थ्री इक्वल टू जीरो। बच्चों मुझे इसका इस सर्कल का एक सेंटर एंड रेडियस क्या है थोड़ा बोलिए, थोड़ा इस सर्कल का सेंटर क्या है रेडियस क्या है थोड़ा बोलिए, उसके बाद मैं आपको बोलूँगा ओके। तो देखिए सेंटर रेडियस, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई, आप अगर बिगनर्स है प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करके करोगे, टू जी इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री ओके, टू जी इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री जी आपका कितना, ऐसे कंपेयर करोगे टू जी इक्वल टू क्या करोगे टू जी इक्वल टू माइनस, अगर आप बिगनर्स है मैं बोल रहा हूँ, तो टू जी इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री जी आपका कितना आएगा टू डिवाइड होने से माइनस टू बाई थ्री। लेकिन हमारा सेंटर क्या होता है कि माइनस जी माइनस एफ होता है, एक सर्कल का सेंटर क्या होता है माइनस जी माइनस एफ होता है, मीन्स माइनस माइनस एफ प्लस टू बाई थ्री आएगा। अगर आपका बिगनर से मैं ये वाला आपको बोल रहा हूँ ओके, ये टू जी इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री जी इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री आएगा ओके। इसी तरह टू एफ इक्वल टू आप कंपेयर कर लोगे, टू एफ इक्वल टू माइनस टू ओके, टू एफ इक्वल टू माइनस टू देन एफ इक्वल टू क्या होगा ये डिवाइड करने से माइनस वन ओके, माइनस एफ चाहिए दैट इज क्या प्लस वन, ये आपका सेंटर आएगा ओके। अगर आप बिगनर्स नहीं है तो क्या करोगे इसमें टू डिवाइड करके साइन चेंज करोगे, अगर आप बिगनर्स नहीं है तो इसमें टू डिवाइड कीजिए, और पहली बात यहाँ पर ये कोफिशेंट कुछ मत रखिए ओके ओके। सेकंड बात है कि यहाँ पर टू डिवाइड कीजिए, आपका माइनस टू बाई टू डिवाइड करने से माइनस टू बाई थ्री आएगा, और साइन चेंज कीजिए प्लस टू बाई थ्री आएगा, इसमें टू डिवाइड कीजिए माइनस वन आएगा, फिर साइन चेंज कीजिए, टू डिवाइड करके साइन चेंज करना है। अगर आप बिगनर्स नहीं है तो टू डिवाइड कीजिए साइन चेंज कीजिए, टू डिवाइड कीजिए साइन चेंज कीजिए, टू डिवाइड करने से माइनस वन साइन चेंज कीजिए, ये आपका रेडियस। देन बच्चों आपका ये माइनस जी माइनस एफ होता है, देन आपका रेडियस होता है कितना जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट ओवर ओके, जी आपका टू बाई थ्री का क्या जी आपका टू बाई थ्री का होल स्क्वायर है ओके, ये आपका टू बाई थ्री का होल स्क्वायर, एफ आपका वन का स्क्वायर ओके, सी आपका कितना देखिए ये आपका सी है कितना माइनस फोर बाई थ्री ओके, माइनस माइनस प्लस फोर बाई थ्री हो जाएगा ओके। तो बच्चों ये आपका फोर बाई नाइन प्लस वन प्लस फोर बाई थ्री कितना बच्चों रेडियस आप लोग का आया बच्चों फाइव बाई थ्री ओके राइट ओके। तो अगर ये नाइन कर लेते हैं ये फोर प्लस नाइन प्लस ट्वेल्व ओके, ये नाइन फोर ये डायरेक्ट नाइन और क्या ये थ्री आएगा ट्वेल्व, तो ये आपका कितना ट्वेंटी फाइव बाई नाइन दैट इज फाइव बाई थ्री ठीक है, आपका रेडियस है। बच्चों मैं बोल रहा था क्या ये आपका ऐसा जब रहता है क्या ये रहता है सेंटर प्लस आर कॉस थीटा ओके, सेंटर कितना आया था इसका टू बाई थ्री और माइनस जी आपका टू बाई थ्री ओके, टू बाई थ्री प्लस आर कॉस थीटा, आर कितना आया था फाइव, अरे आर फाइव आया था फाइव बाई थ्री, फाइव बाई थ्री वेरी गुड फाइव बाई थ्री, और वाई इक्वल टू क्या होगा ये इसका माइनस एफ आपका वन आया था ओके, वन प्लस फाइव बाई थ्री कितना कॉस थीटा ना साइन थीटा क्या था बच्चों आर कॉस थीटा और क्या आर साइन थीटा और तो फिर हम लोग मैं गलत लिखा हूँ ये आर साइन थीटा ठीक है बच्चा आप लोग लिखे तो सही फॉर्मूला है तो अच्छा देखिए ये आपका ये कोऑर्डिनेट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ओके। तो आपका देखिए कौन सा वाला आया आंसर कौन सा ऑप्शन देखिए आपका जो है आपका ये कोऑर्डिनेट जो है क्या पोलर फॉर्म पोलर कोऑर्डिनेट इसे कहते हैं ओके, पोलर कोऑर्डिनेट टू बाई थ्री फाइव बाई थ्री कॉस थीटा वन प्लस फाइव बाई थ्री साइन थीटा कौन सा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में बच्चों ऑप्शन सी ठीक है बच्चों समझ में आया कि नहीं अरे समझ में आया कि नहीं बोलिए आप लोग का बोला गया था ओके। जब ऐसा है आपका सेंटर प्लस आर कॉस थीटा सेंटर प्लस सेंटर इधर के है ओके, अगर यहाँ पर भी सेम थिंग सेंटर हाँ सेंटर प्लस आर कॉस थीटा एंड वाई का सेंटर प्लस आर साइन थीटा
ठीक है, ये माइनस जी माइनस एफ सेंटर है। ओके नेक्स्ट बच्चे देखिए आप लोग का। ओके क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तुम एक्स निकालोगे। ओके ये है आपका ऐसा जब रहता है। ओके तो ये माइनस जी प्लस कितना, माइनस जी प्लस कितना आर कॉस थीटा। ओके और वाई का क्या होता है, माइनस एफ प्लस कितना आर साइन थीटा। ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो फाइंड द पैरामेट्रिक फॉर्म, जल्दी इसको बनाइए, क्या आएगा मुझे बोलिए। बच्चों ये तुम्हारा पैरामेट्रिक फॉर्म है, क्या करना है, तो आपका सेंटर आपको मैं बोल रहा था ये, और इसका ये करके आपका सेंटर जो है आपका आएगा। ओके माइनस जी जो है, ओके ये आपका इसका क्या करोगे, डिवाइड बाई टू करके साइन चेंज कर दोगे, माइनस पी बाई टू आएगा। ओके एंड एफ जो है, माइनस एफ जो है आपका सेंटर। ओके ये डिवाइड बाई टू करोगे पी बाई टू, उसमें साइन चेंज कर दो। ओके ठीक है, देन ये आ गया आर कितना आएगा देखिए। ओके आर आएगा, आर का फॉर्मूला क्या, जी स्क्वायर प्लस कितना एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट ओवर। ओके जी आपका कितना है, ये आएगा पी स्क्वायर बाई फोर, ये भी पी स्क्वायर बाई फोर, और सी तो आपका नहीं है। ओके यहाँ पर सी नहीं है। ओके तो उसका रूट ओवर कितना आएगा, ये पी बाई रूट टू आएगा। ओके देखिए टू पी स्क्वायर बाई एट, टू पी स्क्वायर बाई फोर आएगा, टू काट दीजिए। ओके पी स्क्वायर बाई टू उसका स्क्वायर रूट पी बाई रूट टू, तो इसमें डाल दीजिए। ओके तो ना आपका जी जो है आपका माइनस टू आया है, माइनस पी बाई टू आया है। ओके माइनस जी जो है आपका माइनस पी बाई टू आया है। ओके एंड आर कॉस थीटा, आर आपका क्या पी बाई रूट टू आया है कॉस थीटा। ओके सेम थिंग इधर आपका ये माइनस पी बाई टू आया है, आर आपका हाँ आर आपका पी बाई रूट टू आया है, ये साइन थीटा। ठीक है ये आपका क्या है पोलर फॉर्म। ओके ठीक है बच्चों इसका सही है कि नहीं थोड़ा चेक कर लीजिए। ओके ये इसका आंसर। ओके माइनस पी बाई टू प्लस पी बाई टू साइन थीटा, और क्या माइनस पी बाई टू प्लस पी बाई टू कॉस थीटा। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर उल्टा दे दिया है, पोलर फॉर्म दे दिया है उसका। ओके ये निकालना। ओके तो बच्चों ये कौन सा फॉर्म में देखिए, एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस टू साइन थीटा। ओके कोई भी फॉर्म लिख लीजिए, एच में लिख लेते हैं। ओके इस फॉर्म में सपोज, ओके सपोज ये आपका एच एक्स इक्वल एच प्लस आर साइन थीटा इस फॉर्म में। ओके तो यहाँ पर इसका ये पोलर फॉर्म दिया है, इसका गिवन पोलर फॉर्म दिया है। ओके उसका हम जनरल फॉर्म में लाना है, फाइंड द सेंटर हाँ ऑफ द सर्कल। ओके ठीक है कोई बात नहीं, पहले हम उसको सर्कल का इक्वेशन करते हैं। देखो ये x और क्या ये हाँ x ये दिया है, तो इस तरफ ले आइए x प्लस वन इक्वल टू क्या, x प्लस वन इक्वल टू टू साइन थीटा होता है। ओके ये एक इक्वेशन वन है। ओके ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट दिया है कि ओके तो माइनस वन को इस तरफ ले आइए, x इक्वल टू कितना दिया टू कॉस थीटा दिया बच्चों। ओके x इक्वल टू माइनस वन प्लस टू कॉस थीटा दिया, माइनस वन को उस तरफ ले लीजिए। ओके देन बच्चों ये भी इस तरफ सेम थिंग, तुम्हारा y का क्या दिया। ओके और इसको स्क्वायर थोड़ा कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का, हाँ ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर कॉस का थीटा, इसे इक्वेशन मान रखिए। ओके इसी तरह वाई का क्या दिया बच्चों आपका, वाई इक्वल टू थ्री प्लस टू साइन थीटा, वाई क्या दिया थ्री प्लस टू साइन थीटा। ठीक है देन ये तुम्हारा ये एक्स इक्वल टू वाई इक्वल वो जो देता है वो पोलर कोऑर्डिनेट देता है, वाई माइनस थ्री इक्वल टू टू साइन थीटा। देन बच्चों क्या कीजिए इसका स्क्वायर कर दीजिए। ओके ये वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन आपका टू, आड इक्वेशन वन एंड टू। ओके आड इक्वेशन वन एंड टू। ओके ये तुम्हारा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, अगेन ये वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ओके इक्वल टू फोर कॉमन ले लीजिए, आपका साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा वन होगा, जब ऐड करेंगे लेफ्ट लेफ्ट ऐड होगा, राइट राइट ऐड हो जाएगा। ओके अब देखिए इस फॉर्म में आ गया आपका एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके तो बच्चों बोलिए सेंटर क्या है, बोलिए कंपैरिजन कीजिए, सेंटर क्या बोलिए, अरे बोलो उसी से कंपेयर करो, माइनस एच इक्वल टू क्या आ जाएगा वन, एच इक्वल क्या, हाँ बोलो
सर अभी आप जो भी बता रहे हैं वो स्क्रीन में नहीं है। अच्छा तो बच्चे ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट था, एक्स इक्वल टू माइनस वन टू प्लस कॉस थीटा माइनस वन को इस तरफ लाया, दोनों तरफ पोल्स कर दिया, और ये वाई कोऑर्डिनेट का भी पोलर कोऑर्डिनेट था, थ्री प्लस टू साइन थीटा, इसको इस तरफ लाया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों ऐड कर दिया, जब ऐड होगा लेफ्ट लेफ्ट ऐड होगा और क्या राइट राइट ऐड होगा। ओके ये कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा क्या हो जाएगा बोलो, फोर कॉमन जाके कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा कितना होगा, अरे दिख रहा है तो बच्चों, अरे बोलो ना, नहीं दिख रहा है बच्चो, ये आड़ होने के बाद कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा कितना होगा, वन हो जाएगा। ठीक है, धन ये फॉर्म में आने के बाद कंपेयर कर लीजिए, एच इक्वल टू माइनस वन और के इक्वल टू थ्री आएगा। ओके तो आपका सेंटर क्या हुआ बोलो बच्चो, सेंटर क्या हुआ, अरे सेंटर क्या हुआ बोलो, माइनस वन माइनस वन थ्री। ओके ठीक है, ये आपका सेंटर है, ओके सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, आंसर सही है कि नहीं थोड़ा चेक कर दो, ओके इसका आंसर नहीं बोला गया। ओके ठीक है, तो बच्चों समझ में आया कि नहीं, इसका आंसर ओके सेंटर माइनस वन थ्री आएगा इसका। ओके ओके और ये भी डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आर पता नहीं, हाँ यहाँ हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमारे एक्स इक्वल एच प्लस, एक्स इक्वल एच प्लस आर कॉस थीटा रहता था। ओके एंड वाई इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा रहता था, ओके के प्लस आर साइन थीटा रहता था। ओके तो यहाँ पर डायरेक्ट ये तुम्हारा एच के सेंटर आपका कितना आएगा, माइनस वन एंड थ्री, डायरेक्ट भी आप बोल सकते हो, लेकिन ऐसा करके कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट भी इसका माइनस वन थ्री बोल सकते हो। ओके और आप इसका करोगे और इसका स्क्वायर इसका आर इसका टू आएगा। ओके ठीक है, वैसे ऐसे बना दीजिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बच्चों पढ़ते हैं हम लोग का इक्वेशन, ये इंटरसेप्ट फॉर्म, ये तुम्हारा सर्कल का इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल, देखिए आपका इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल। ओके यहाँ पर ये सर्कल है, ठीक है ये इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल। ओके ये एक तो इंटरसेप्ट है, ओके अगेन ये एक तो इंटरसेप्ट है, ओके थोड़ा फिगर ढंग से नहीं हुआ, ठीक है यही वाला फिगर कर लेते हैं। ये सर्कल जो ओरिजिन में पास नहीं किया, ओके देखिए ये हमारा ऐसा रहता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसा रहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके इसका सेंटर क्या होता है, माइनस जी एंड एफ। ओके ये एक इंटरसेप्ट है, ए बी एक इंटरसेप्ट है, सी डी एक इंटरसेप्ट है। ओके ठीक है बच्चों, अच्छा समझिए देन बच्चों, ये हाइट आपका जो है, ये हाइट कितना आएगा, कौन बोलेगा ये हाइट कितना आएगा, ये हाइट कितना बोली, ये कोऑर्डिनेट एफ है, यहाँ से हाइट आपका एफ बच्चों होगा, बच्चों ये कोऑर्डिनेट है आपका माइनस एफ है ना, आपको पता है कि नहीं बच्चों वो। ओके सपोज तुम्हारा क्या है कि अगर ये हाइट अगर कुछ देता है ये एक्स एक्सिस से, सपोज ये आपका एच है तो आपका वाई कोऑर्डिनेट एच आता है, पता है कि नहीं बच्चों, बच्चों आपका ये जो हाइट जो है वही आपका क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, पता है कि नहीं, अरे बोलो, जो आपका हाइट होता है वही आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है, पता है कि नहीं बोलो सर, वो तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, लेकिन यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये जो है माइनस जी होगा, लेकिन ये पूरा इतना से यहाँ से ये आपका यहाँ से इतना माइनस जी होगा, यहाँ से आपका माइनस जी होगा
ओके, यहाँ से कितना से, यहाँ से आपका माइनस जी, ये तो पूरा बाहर है, तो इतना आपका माइनस जी होगा और ये आपका एफ होगा, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये आपका जी आएगा और ये आपका एफ आएगा, यहाँ से अगर ये है, लेकिन तुम लोग का तो सर्कल का पूरा ये है, तो लेकिन ये हाइट आपका कितना आएगा? अरे पता नहीं हो रहा है क्या तुम लोग का? अगर ये तुम्हारा देखिए या हाँ, और ये लेंथ अगर तुम्हारा ये है तो ये आपका एक्स है, तो ये एक्स है तो ये आपका एक्स होता है, और ये अगर हाइट अगर वाई है तो ये आपका वाई होता है, ये पता है कि नहीं? एक्स एक्सिस से जाओगे, एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस जितना है वही तुम्हारा एक्स होता है, और ये तुम्हारा ये हाइट जो है वही तुम्हारा वाई होता है, तो यहाँ से देखिए एक्सिस से ये हाइट कितना आपका एफ है, सो दैट ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा माइनस, हाँ सेंटर है ये, ओके ये हाइट आपका एफ है, ठीक है। अच्छा ये तुम्हारा इंटरसेप्ट हमें ए बी निकालना है, ए बी का इंटरसेप्ट निकालना है बच्चों, ओके। अच्छा देखिए इसको हम आर ले लेते हैं, इसको हम आर ले लेते हैं। अच्छा ए एम बोलिए कितना फॉर्मूला, ए एम का फॉर्मूला बोलिए पाइथागोरस थ्योरम में, अरे एम का फॉर्मूला बोलिए पाइथागोरस थ्योरम में, आर स्क्वायर, आर का पता है तो आर का फॉर्मूला, जब ऐसा रहता है आर क्या होता है पता है? तो जब ऐसा रहता है, जब आपका कौन सा ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो आर का फॉर्मूला पता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का क्या रूट ओवर। तो बच्चों तो तुम्हारा ये जो है ए एम हमें निकालेंगे, एक्चुअली हमें ए बी निकालना है जो कि आपका एक्स इंटरसेप्ट है, और ये सर्कल ओरिजिन दे के पास नहीं कर रहा है, ओके। तो हमें ए एम निकालना है बच्चों, ओके। ए एम कैसा आएगा आपका? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस आपका क्या, रेडियस आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट ओवर, ओके। रेडियस का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, ये हाइट आपका एफ है, ओके, माइनस एफ का स्क्वायर का क्या रूट ओवर आपका ए एम आएगा, देन तुम्हारा ए एम जो बच्चों आपका ये रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा, कितना जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये माइनस एफ स्क्वायर, ओके ठीक है। देन बच्चों ये कट जाता है, देन बच्चों ये जी स्क्वायर माइनस सी आपका क्या होता है, जी स्क्वायर माइनस सी आपका ए एम आता है। बच्चों हमें ए बी चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट, ए बी कितना आएगा बोलिए, एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा आपका, एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा बोलिए, ए बी एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट आपका ए बी चाहिए, ओके। पता है तुम्हारा ये ए एम प्लस ए एम होता है, ए एम प्लस एम बी, तुम्हारा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड होता है, ए एम का जितना लेंथ है एम बी का उतना लेंथ है, पता है कि नहीं? अरे ए एम इक्वल टू अच्छा देखो, अरे अरे बोलो ये तुम्हारा ये एम कितना होगा, एम कितना है जी स्क्वायर माइनस सी, समझे बच्चों ना? नहीं समझे? एम का पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज, ये रेडियस का स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस एफ का स्क्वायर का रूट ओवर, ओके, ये रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा, ओके, जी स्क्वायर माइनस सी। अच्छा एम जितना एम बी उतना भाई, एम जितना एम बी उतना, क्यों? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड होता है, एम का जितना लेंथ है एम बी का उतना, तो ट्वाइस ऑफ एम करेंगे तो आपका ए बी आ जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट जो है आपका ए बी जो है वो आपका ट्वाइस ऑफ करेंगे, ओके, ये आपका जी स्क्वायर माइनस सी, ये बच्चों आपका एक्स इंटरसेप्ट है। अरे बच्चों एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है टू होल इंटू जी स्क्वायर माइनस सी, कौन नहीं समझा बच्चों? ये हाइट एफ है कि नहीं बोलिए, आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो जा रहा है क्या? ओके ये हाइट आपका एफ रहेगा, यहाँ से ये जो वाई हाइट है, ओके ये रेडियस है, देन आपका ए एम इक्वल क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। तो बच्चों ए बी कितना हुआ, एक्स इंटरसेप्ट ट्वाइस ऑफ कितना जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ओके ये समझ में आ गया? सुमे समझ में आया कि बोलो? यस सर। अच्छा नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखो ये आपका लेंथ कितना बोलो, ये पी एन का लेंथ कितना बोलो, पी एन का लेंथ कितना बोलो, पी एन का लेंथ जी होगा,
आपका एक्स एक्स यहाँ से जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, कहाँ एक्सिस से देखिए, एक्सिस से, एक्सिस के जो है होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ से आपका ये है कोऑर्डिनेट माइनस जी है, मीन्स लेंथ इसका जी है। ओके, उसी तरह निकालो एन सी। बच्चों हमारा सी डी जो है आपका वाई इंटरसेप्ट हम निकालेंगे, सी डी जो है वाई इंटरसेप्ट। आप बोलो कि आपका एन सी कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम में, बोलो। अरे एन सी कितना आएगा बोलो, आर स्क्वायर माइनस जी, माइनस जी स्क्वायर। ये आप वेरी गुड, ये एन सी निकालेंगे। ओके, आर हमारा कितना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का रूट ओवर, रूट ओवर का स्क्वायर करोगे। ओके, ये हमारा आर है, आर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का रूट ओवर करोगे तो हमारा एन सी आएगा, उसका रूट ओवर करोगे तो हमारा एन सी आएगा। एन सी इक्वल देखो कितना आ रहा है, रूट एन स्क्वायर ये कट जाएगा जी स्क्वायर। एक्चुअली हमारा आर स्क्वायर एक डायरेक्ट भी लिखते तो होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हमारा आर स्क्वायर होता है। ये प्लस जी स्क्वायर और माइनस जी स्क्वायर कट जाता है। ओके, यहाँ पर रहता है एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट ओवर होता है आपका एन सी। ओके, इसी तरह एन सी जितना है आपका डी एन का लेंथ भी उतना है, बिकॉज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ट्वाइस ऑफ एन सी हम करेंगे, तो ट्वाइस ऑफ एन सी हम करेंगे तो हमको मिलेगा दैट इज योर सी डी। ओके, तो सी डी जो वाई इंटरसेप्ट आपका क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट आपका ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला है। एक्स इंटरसेप्ट क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी का रूट ओवर। ओके, और एक योर वाई इंटरसेप्ट ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट ओवर। समझे कि नहीं समझे, अरे समझे कि नहीं समझे। ये लेंथ जी होता है कि नहीं, देखो कि यहाँ पर, यहाँ से वाई से जितना लेंथ है, इधर अगर जी है तो ये भी आपका जी आएगा, और ये आपका कोऑर्डिनेट माइनस जी है, सेंटर है। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। ओके, तो ये आपका सी एन ए का आएगा कि हाँ रेडियस का स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, ये रेडियस का स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का रूट ओवर, प्लस जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर कट जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस सी ये रूट एन स्क्वायर कट जाएगा। ओके, तो एन सी का डबल करोगे आपका सी डी आ जाएगा। ओके, फॉर्मूला लिख दिए, योर एक्स इंटरसेप्ट होता है टू जी स्क्वायर माइनस सी का रूट ओवर, और आपका वाई इंटरसेप्ट होता है टू इंटू एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट ओवर। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। चलिए इसका ऊपर प्रॉब्लम्स करते हैं। देखो ये हमारा पहला सेंटर निकालते हैं, माइनस जी होता है कि तुम्हारा इसको ये करके डिवाइड टू करके साइन चेंज करना है। ये फाइव का ये माइनस फाइव आएगा। ओके, एंड आपका माइनस एफ आपका सेंटर है, ये इसका डिवाइड टू करो थ्री के होकर इसको साइन चेंज करो। ओके ओके, ये थ्री आएगा। ओके, डिवाइड करो ये थ्री करके इसका साइन चेंज है, माइनस थ्री तो प्लस थ्री आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मतलब हमारा क्या है कि एक्स इंटरसेप्ट पहले निकालेंगे। एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या हुआ, अरे एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या हुआ, टू रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर माइनस सी। व्हाट इज जी द्वारा है ये 25, सी आपका है 9, सी आपका 9 है। ओके, 25 माइनस सी। ओके, तो ये द्वारा 2 ये 16, 16 इंटू 2 कितना 8। उसी तरह वाई इंटरसेप्ट बोलो, इसी तरह वाई इंटरसेप्ट कितना आएगा बोलो, अरे y इंटरसेप्ट बोलो, बोलो पहले 2 रूट ओवर x स्क्वायर माइनस c। तो जब द्वारा ये है, ओके f आपका कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, और c भी आपका 9 है, मींस 0 हो रहा है, मींस जब द्वारा इंटरसेप्ट 0 हो रहा है। ओके, वो सर्कल को टच करेगा, y एक्सिस को टच करेगा, ऐसा फिगर है। आपका x इंटरसेप्ट तो आ गया, अगर ये सर्कल को टच करेगा, ओके वाई एक्सिस को टच करेगा। ओके, जब यहाँ पर इंटरसेप्ट, यहाँ पर वाई का इंटरसेप्ट 0 मीन्स वो सर्कल का टच कर रहा है, यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट 8 आ रहा है। ओके, एक्स इंटरसेप्ट 8 आ रहा है और वाई इंटरसेप्ट 0 हो गया, मीन्स इंटरसेप्ट का लेंथ पूरा 0 हो गया, मीन्स वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है और वाई एक्सिस का टेंजेंट बनेगा सर्कल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वो बोला कि द इंटरसेप्ट द
तो वेरिएबल सर्कल एक्स इंटरसेप्ट इज 2 एंड वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट 4 यूनिट्स है रेस्पेक्टिवली एट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्कल। ओके अच्छा पहला बार देखो एक्स इंटरसेप्ट कितना था, एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला बोलो, और एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला बोलो 2 रूट ओवर ऑफ जिसको माइनस इक्वल टू कितना आपका 2 दिया। ओके अच्छा अगेन y इंटरसेप्ट आपका कितना दिया, ये 2 एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू कितना 4 यूनिट दिया। ओके जी एंड एफ पहले निकालो उसके बाद मैं बोल रहा हूँ। अच्छा देखो यहाँ पर बोल रहा है कि तुम्हारा सेंटर का लोकस बोल रहा है, लोकस ऑफ द सेंटर मीन्स जो सेंटर एक इक्वेशन में आएगा, सेंटर आपका माइनस जी और क्या माइनस एफ है, इसको एक इक्वेशन करना है, सेंटर को एक इक्वेशन करना है। देखो तो ये आपका जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना आया, ये जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपका आएगा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा पहले। ओके और 2 डिवाइड होने से यहाँ पर 1 रहेगा और ये रूट उधर आके स्क्वायर हो जाएगा, जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपका क्या आएगा, ये इक्वल टू 1 आएगा। ओके 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, पहले ये 2 डिवाइड हो जाएगा 1 आएगा, रूट उधर आके स्क्वायर हो जाएगा। ओके 1 का स्क्वायर 1। ओके इसी तरह ये 2 डिवाइड कर दो। ओके एफ स्क्वायर माइनस सी कितना होगा, एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा कितना 2 का स्क्वायर 4 आएगा। ओके देन बोल रहा है कि ये जो हमें जो इक्वेशन बनाना है वो सेंटर से बनाना है, ये इक्वेशन जो बनाएंगे लोकस मीन्स एक मूविंग पॉइंट बनाएंगे, ये जो सेंटर का एक इक्वेशन आएगा, आइधर ऐड कर दो नहीं तो प्लस कर दो। ओके यहाँ पर ऐड करने से तो सिर्फ जी और एफ रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, ऐड करने से नहीं होगा, ये सबट्रैक्ट कर दो, ये दो इक्वेशन सबट्रैक्ट कर दो, लेफ्ट लेफ्ट सबट्रैक्ट कर दिया आएगा जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, इस जब सबट्रैक्ट करोगे ये प्लस सी हो जाएगा। ओके माइनस सी प्लस सी कट जाएगा और 1 माइनस 4 कितना आएगा बोलो माइनस 3। ओके तो तुम्हारा आपका ये आपका एक्चुअली लोकस है जो एक इक्वेशन बन रहा है अलॉन्ग, हाँ ये आपका लोकस है, उसको तुम ऐसा भी कर सकते हो, योर एक्स स्क्वायर माइनस कितना वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या माइनस 3। ओके इस क्योंकि इसको वेरिएबल लेना है। ओके और नहीं तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, दिस इज द लोकस ऑफ द सेंटर मीन्स, तो जब लोकस ऑफ द सेंटर मीन्स उसी सेंटर को लेके तुम एक इक्वेशन बनाना है। ओके तो बोला लोकस ऑफ द सेंटर मीन्स उसी सेंटर को लेके एक इक्वेशन बनाना है, यहाँ पर ऐड करने से नहीं होगा सबट्रैक्ट करने से होगा, तो जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू आपका ये सी कटेगा 1 माइनस 4 माइनस 3, तो ये आपका लोकस। ओके फिर इसको आप तुम लिख सकते हो कि एक्स वाई में आप लिख सकते हो दिस इज योर लोकस ऑफ द सेंटर, जो सेंटर इसी इक्वेशन में मूव करेगा, लोकस ऑफ द सेंटर में सेंटर को यूज करके एक इक्वेशन बनाना है। ठीक है अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, वाला वेरियस कंडीशंस। ओके यहां पर बोला कि वेरियस कंडीशन ऑफ द सर्कल विद टिपिकल कंडीशन, ओके टिपिकल कंडीशन ऑफ द सर्कल। ओके तो टिपिकल कंडीशन में है क्या, वेरियस टिपिकल कंडीशन ऑफ द सर्कल, टिपिकल इक्वेशन ओके ऑफ द सर्कल। ओके देखो टिपिकल कंडीशन ऑफ इक्वेशन सर्कल, ओके अगर एक सर्कल जो है कि वो उसका इंटरसेप्ट देता है, अगर बच्चों एक सर्कल जो है इसका इंटरसेप्ट अल्फा देता है, एक्स इंटरसेप्ट उसका अल्फा देता है और वाई इंटरसेप्ट अगर बीटा देता है, अगर वो सर्कल अगर ओरिजिन दे के पास करता है, अगर वो सर्कल अगर ओरिजिन दे के पास करता है, ओके अगर इसका इंटरसेप्ट देता है और ओरिजिन दे के पास करता है, व्हाट विल द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो इक्वेशन सर्कल क्या बनेगा बच्चे, डायमेट्रिकल फॉर्म आएगा, ये 90 डिग्री आएगा। ओके तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर बच्चों आपका इंटरसेप्ट देता है और सर्कल ओरिजिन देता है, ओके तो हम पढ़ रहे थे वेरियस फॉर्म्स ऑफ द सर्कल, हाँ वेरियस फॉर्म में क्या क्या इक्वेशन सर्कल आता है, अगर इसका इंटरसेप्ट देता है और उसका क्या
ओरिजिन दे के पास करता है इक्वेशन सर्कल क्या होगा, उसको डायमेट्रिकल फॉर्म में कर सकते हो। ये अल्फा जीरो आएगा, ओके, ये आपका कितना जीरो बिट आएगा, ओके। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बोलिए, डायमेट्रिकल फॉर्म बोलिए, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस अल्फा, ओके, एक्स माइनस जीरो प्लस वाई माइनस बीटा इंटू वाई माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, ये आपके इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगा बच्चों। अगर एक तो आपका हाँ व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड इंटरसेप्ट अल्फा एंड बीटा देन इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आएगा, ओके। आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स और माइनस बीटा वाई इक्वल टू जीरो। जब भी कहीं पर आप लोगों का इंटरसेप्ट देता है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और सर्कल पास करता है, ये आपके इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसको डायमेट्रिकल फॉर्म में भी कर सकते हो, ओके। नहीं देखिए आप लोग का और डिफरेंस फॉर्म, टिपिकल फॉर्म देखिए, और फॉर्म देखिए, ये एक तो व्हेन टचेस द एक्स एक्सिस व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, देखिए जब व्हेन टचेस द एक्स एक्सिस व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ओके। देखिए सर्कल जो है आपका एक्स एक्सिस को टच करता है, ठीक है, एक्स एक्सिस को टच करते, इधर से कीजिए कि इधर से कीजिए कहीं पर, ओके। तो ये आपका, ओके, ये आपका माइनस जी और क्या माइनस एफ आपका सेंटर है, ओके। जब एक्स एक्सिस का टच करता है, ये लेंथ बोलिए कितना आएगा, ये लेंथ बोलिए, हाइट बोलिए कितना, ये एफ आएगा, ओके। ये आपका हाइट जितना उतना, ओके, यहाँ पर आपका दिया है, ये हाइट इसका बीटा है, ओके, इसका हाइट बीटा है, ओके, ठीक है। देन बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा आपका, ठीक है, देन बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, ये अल्फा बीटा ले लेते हैं, बेस्ट रहेगा, ओके। सपोज ये आपका सेंटर दे दिया है और वो, ओके, ये सेंटर दे दिया है, यहाँ पर सेंटर दे दिया है, वो एक्स एक्स को टच कर इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछेगा, तो बच्चों यह बनेगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा का स्क्वायर, ओके। जब वो क्या कौन सा को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ओके, इधर वो या इधर हो, इधर तो इस कोऑर्डिनेट हो, इस कोऑर्डिनेट हो, वैसे कौन सा तुम करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखिए, अगर वाई एक्सिस को टच करता है, बच्चों वाई एक्सिस को टच करता है, अगर सर्कल अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ये आपका देखिए, ये ले लीजिए कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा, अच्छा यहाँ पर आर कितना आएगा बोलिए, अगर ये वाई एक्सिस को टच करता है आर कितना आएगा बोलिए बच्चे लोग, आर कितना आएगा, ये लेंथ कितना आएगा बोलिए, अल्फा, ओके, एक्स है, ओके। और अगर ये बोलता है तो ओरिजिन से आएगा बीटा, ओके, ओरिजिन यहाँ से अगर ये आएगा तो बीटा बनेगा और यहाँ से ये अल्फा बनेगा, एक्स का लेंथ है, एक्स का लेंथ है और ये एक्स कोऑर्डिनेट, ओके। तो ये आपका देखिए इक्वेशन सर्कल क्या बनेगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कितना वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके अल्फा स्क्वायर काट भी सकता है, ठीक है, इतना ही रखिए, ओके। नेक्स्ट बच्चों देखिए क्या दिया, नेक्स्ट टचेज द बोथ द एक्सिस व्हेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन टचेज द बोथ द एक्सिस, अगर दोनों एक्सिस को टच करता है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, ओके, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है लेकिन ओरिजिन देके नहीं जा रहा है, दोनों एक्सिस को टच करता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है। देखो इसका ऊपर जेई मेन क्वेश्चन भी करेंगे, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ओके, अगर ये आपका अल्फा है, ओके, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा आएगा, यानी आपका आएगा कितना, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ओके, वाई माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ओके, इसको
स्क्वायर करके सो कुछ अल्फा स्क्वायर कटेगा ओके ठीक है। टेक देखिए वेरियस फॉर्म्स ऑफ द और नहीं तो टिपिकल फॉर्म्स ऑफ द सर्कल ओके। टेक देखिए क्या है, अगर ऐसा है द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस ओके एंड कॉट ऑफ द इंटरसेप्ट वाई एक्सिस। अगर ऐसा है कि अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ओके एक्स एक्सिस को टच कर रहा है लेकिन वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट बना रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट बना रहा है ओके देन बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये आपका ये हाइट बोलो, ये रेडियस कितना आएगा बोलो, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एंड हाँ ये रेडियस कितना आएगा बोलो, ये हाइट आपका बीटा आएगा ओके। हाउ देन हमें ये वाला चाहिए ओके। अच्छा हम बच्चों किए थे कि इस फॉर्म में किए थे, चलिए कोई बात नहीं। हाँ नेक्स्ट बच्चों ये ओके, ये आपका बीटा है बच्चों क्योंकि रेडियस इधर बिटा है तो उधर भी बिटा है ओके। नेक्स्ट बार अगर ये इंटरसेप्ट देता है, ये एल और क्या ये भी एल, इंटरसेप्ट अगर एल देता है ओके देन बच्चों ये बिटा इक्वल टू क्या आएगा, ये इंटरसेप्ट देता है एल ओके तो बच्चों इसका इक्वेशन क्या सर्कल आएगा, इक्वेशन सर्कल आएगा क्या होगा, x माइनस कितना, x माइनस आपका अल्फा का स्क्वायर ले लीजिए या आपका y माइनस बीटा का होल स्क्वायर आएगा और r बीटा स्क्वायर होगा। बच्चों जब वो इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट देता है और ये देता है ओके l आप यहाँ निकाल सकते हो ओके एल का निकाल सकते हो, एल अगर आप चाहते हो ओके एल आप इधर चाहते हो तो निकाल सकते हो। यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस के जो जितना है वो अल्फा होता है और एक्स एक्सिस के जितना डिस्टेंस वो बीटा होता है, तभी जाके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा होता है। आप चाहते हो एल निकालना चाहते हो, ये बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर निकाल सकते हो, बीटा का स्क्वायर माइनस ओके अल्फा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर रूट ओवर ओके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर करके एल निकाल सकती है यहाँ पर। और नहीं तो तुम वो फॉर्मूला डाल सकती हो, हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला भी डाल सकती हो। एफ तुम्हारा सेंटर ओके जी एंड एफ सेंटर होता है ओके, ये फॉर्मूला डाल के भी तुम वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हो। नहीं तो इससे भी यहाँ पर ये आपका रेडियस तो पता है और ये पता है, एल निकाल सकते हो, टू एल आपका ये आएगा क्या इंटरसेप्ट ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बार देखिए हाँ सेम थिंग है, व्हेन टचेस द वाई एक्सिस और ये तुम्हारा व्हेन टचेस द वाई एक्सिस ओके When touches the y-axis, okay, and ये तुम्हारा ये देता है देखिए, तो क्वेश्चन ये दिया होगा touches the y-axis and intercept दिया होगा x-axis, okay, ये touches the y-axis और intercept on x-axis, okay, then ये आप alpha beta ले लीजिए okay, center को okay देन बच्चों ये लेंथ आपका रेडियस कितना आएगा बोलिए, रेडियस कितना आएगा बोलिए, अल्फा आएगा ठीक है। देन बच्चों यहाँ पर भी आपका रेडियस अल्फा आएगा ओके, अगेन ये तुम्हारा ये तुम्हारा एल अगर लोगे ओके, एल आपका निकलेगा कैसे,
ये आपका ये बिट आएगा ओके, क्योंकि यहाँ से जितना ये आपका एक्स एक्सिस का जितना हाइट है वही बिटा ये वाई कोऑर्डिनेट होता है ओके ठीक है। तो अगर तुम्हें चाहिए एल चाहिए आपका निकल जाएगा क्या अल्फा स्क्वायर माइनस बिटा का स्क्वायर का रूट ओवर आ जाएगा ओके। अगर 12 होगा आपका एक्स इंटरसेप्ट ओके। अगर इक्वेशन सर्कल क्या होगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बिटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका अल्फा स्क्वायर ओके। यहाँ पर रेडियस आपका अल्फा है ओके। ये जब y एक्सिस को टच करता है और आपका x इंटरसेप्ट देता है ठीक है l का ये कंडीशन रहता है ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखो ये क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेज द बोथ द एक्सिस एट स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 3y 6 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज बिलो इट ओके एंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज द बोथ द स्ट्रेट लाइन बोथ द एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन। देखिए फिगर करने से सब कुछ आपको हो जाएगा। ये एक्स का इंटरसेप्ट कितना आएगा वाई का इंटरसेप्ट कितना आएगा देखो ये 4x प्लस 3y इक्वल टू 6 6 डिवाइड कीजिए ये एक्स का इंटरसेप्ट कितना आएगा ये काट दीजिए ओके ये देखो हाँ ये एक्स का इंटरसेप्ट कितना 3/2 आएगा वाई का इंटरसेप्ट कितना आएगा 2 आएगा ओके। एक्स का इंटरसेप्ट 3/2 है वाई का इंटरसेप्ट क्या है 2 है ओके। तो देखिए ये लाइन का इक्वेशन तो आ गया ये लाइन का इक्वेशन आ गया क्या है इक्वेशन 2x 4x प्लस 3y 4x प्लस 3y इक्वल टू 6 ओके। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन सर्कल विच टचेज द बोथ द एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन। एक सर्कल जो है वो बोथ द एक्सिस को भी टच कर रहा है इस ये को भी टच कर रहा है इसका इक्वेशन निकालना है ठीक है ओके। बच्चों अभी बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच टचेज द बोथ द एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 3 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड लाइज इट बिलो ओके ठीक है। तो ये इस इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है बच्चों कुछ नहीं दिया सिर्फ वो स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा और इसको टच कर रहा कुछ नहीं दिया और इंटरसेप्ट दिया है ये कोऑर्डिनेट आपका 3/2 0 ओके और ये कोऑर्डिनेट आपका 0 2 और कुछ नहीं दिया। कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर सेंटर मिल जाएगा तो रेडियस मिल जाएगा सेंटर मिलेगा तो रेडियस मिलेगा। अच्छा ये थ्री एक्स एक्स को टच कर रहा है तो बच्चों देखो ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है बच्चों तो बच्चों यहाँ पर ये आर ले लेते हैं ये भी आर आएगा दोनों एक्सिस को टच कर रहा है सेंटर आर आर आएगा नहीं तो अल्फा ले लो बच्चों ये अगर आपका ये आपका रेडियस है तो एक्स एक्स को टच कर रहा है। बच्चों हम लोग का पढ़े थे अभी जस्ट हाँ वेरियस फॉर्म ऑफ सर्कल अगर बोथ द एक्सिस को टच कर रहा है अगर ये रेडियस अगर अल्फा है ये रेडियस अगर बच्चों अल्फा है ये भी आपका अल्फा है ओके ये कोऑर्डिनेट क्या आता है अल्फा अल्फा आता है तो बच्चों वही कीजिए आपका सेंटर क्या आ जाएगा बच्चों सेंटर क्या आ जाएगा आपका अल्फा अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग एक तो पढ़े थे एक अबव लाइन बच्चों कौन नहीं समझा बच्चों कौन नहीं समझा अगर ये आपका अल्फा है और ये भी अल्फा है तो ये सेंटर आपका अल्फा दोनों एक्सिस का टच कर रहा है ओके।
नेक्स्ट बच्चों हम एक कुछ पढ़े थे, अगर एक अबव पॉइंट से ये आपका इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y प्लस 6 ओके, और यहाँ पर डिस्टेंस भी इसका अल्फा है, क्योंकि जो डिस्टेंस भी अल्फा है, रेडियस भी इसका अल्फा है, कोऑर्डिनेट भी इसका अल्फा है ओके। तो हमारा एक अबव पॉइंट से क्या इक्वेशन था बच्चों, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था? अरे बच्चों डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था, a इंटू एक्स वन, एक अबव पॉइंट से a इंटू एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीटर ओके। तो 4 इंटू अल्फा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, 3 इंटू अल्फा प्लस सी, ये 6 जो है प्लस है तो प्लस लोगे ओके, डिवाइडेड बाय कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर का रूट ऑफ ओके। यहाँ पर डिस्टेंस भी बच्चों अल्फा, ये जो रेडियस इसका ना अल्फा है बच्चों, ये रेडियस अल्फा है, यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम करके बनाया, ये रेडियस अल्फा, ये भी अल्फा है और ये भी तुम्हारा रेडियस अल्फा है ओके। और इसी को कौन टच कर रहा है, ये लाइन टच कर रहा है, तो रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम दिस अल्फा अल्फा दैट इज ऑल्सो डिस्टेंस अल्फा है ओके। तो देखिए क्या आ रहा है इसका आंसर, ये कितना आ रहा है, 16 प्लस 9 5 आ रहा है, ये 5 अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा है, अगर ये मॉड हटाते हो प्लस माइनस आएगा ओके, ये कितना 7 अल्फा प्लस 6, 7 अल्फा प्लस 6 ओके। देन आप ये 7 मॉड अल्फा मॉड जब बच्चों जब हटाओगे ये 7 अल्फा प्लस 6 इक्वल टू ओके, ये प्लस माइनस 5 अल्फा आएगा ओके, जब ये मॉड हटाते हो प्लस माइनस 5 अल्फा है ओके। प्लस का पहले ले लेते हैं, 7 अल्फा प्लस 6 इक्वल टू 5 अल्फा, प्लस का पहले ले लीजिए, तो न पक्का क्या होगा, देखो ये 2 अल्फा इक्वल टू कितना, 2 अल्फा इक्वल टू माइनस 6, तो अल्फा इक्वल टू कितना माइनस 3, सेंटर आपका माइनस 3 आएगा ओके। जब प्लस लिए 7 माइनस 5 अल्फा 2 अल्फा इक्वल टू माइनस 6 ओके, और क्या है, जब ये माइनस अल्फा लोगे ये 7 अल्फा प्लस 6 इक्वल टू माइनस 5 अल्फा, ये माइनस इधर लगे प्लस 12 अल्फा इक्वल टू माइनस 6, तो अल्फा इक्वल टू कितना माइनस 1 बाई 2, देन और क्या सेंटर हो सकता है, माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बच्चों आपका ये भी है सेंटर भी माइनस, या हाँ यहाँ पर सेंटर भी माइनस 3, जब माइनस 3 है बच्चों, सेंटर भी माइनस 3 रेडियस भी माइनस 3, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, सेंटर भी अल्फा ये भी अल्फा रेडियस का भी अल्फा, 3 का स्क्वायर कितना 9। जब ये लेते हो बच्चों ये एक्स प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये रेडियस भी 1 बाई 2 आएगा 1 बाई 4, क्योंकि इसका ये आया सेंटर भी अल्फा और ये भी अल्फा ओके। चलिए इसका आंसर थोड़ा चेक कर लेते हैं, ये एक्स माइनस 1 बाई 2 वाई माइनस 1 बाई 2 का 1 बाई 2 का स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द व्हाट सर्कल है ओके। इसका दो कोऑर्डिनेट आया, अल्फा का दो कोऑर्डिनेट, एक 3 और क्या 2 आया ओके। और वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो वो बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई जाए, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई जाए ये तुम्हारा 1 बाई 2 आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई जाए अल्फा भी 1 पॉजिटिव आएगा, कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए जाए, प्लस माइनस आ रहा है तो यहाँ पर ये तुम्हारा ए इक्वल टू तुम्हारा ये आया रेडियस जो है आपका 3 और 1 बाई 2 आया, क्योंकि रेडियस लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको वही थोड़ा बना दीजिए। ओके ये आपका जो माइनस अल्फा है वो एक्चुअली रेडियस है, अल्फा रेडियस है तो ये प्लस 3 आएगा ओके, और एक तो माइनस 1 बाई 2 आया वो 1 बाई 2 है ओके, मीन्स अल्फा 3 है 1 बाई 2 है, दो तो इक्वेशन आएगा
एक्स माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर, हाफ क्वाड्रेंट है तो हाफ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा, एक्स माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, ये भी बच्चों वही आएगा आपका एक्स माइनस थ्री, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। ओके, क्वेश्चन में गिवन है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज, ये आपका आंसर बच्चों आएगा इक्वेशन अनुसार का। बच्चों समझ में आया कि नहीं, बच्चों समझ में आया कि नहीं? अच्छा ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए। ये वेरियस फॉर्म ऑफ द सर्कल का टिपिकल फॉर्म ऑफ द सर्कल का ही क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर बोल रहा है कि ए सर्कल टचेस द वाई एक्सिस एट द पॉइंट 04। एक सर्कल जो है 04 में टच कर रहा है। ओके, एंड कॉर्ड द एक्स एक्सिस ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 cm, इसको टच कर रहा है और इसको कट कर रहा है। ओके, 6 cm। ओके, तो ये 6 cm है तो 3-3 बन जाएगा, ये 3 और ये भी 3। ओके, और एक बात है, ये 04 टच कर रहा है। ओके, ये कितना आएगा बोलो, ये 04 है टच कर, ये लेंथ कितना आप देखो, तो रुको, ये तुम्हारा 04, ये हाइट आपका पता है, ये हाइट आपका 4 है, यहाँ पर अगर हाइट अगर आपका 4 है तो ये भी हाइट का 4 है, मीन्स ये आपका 4 आएगा। ये देखो ये आपका 4 आएगा। ओके, थोड़ा रुको थोड़ा रुको, कुछ गड़बड़ है गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ है, ये 336 हो गया, ये R हो गया, ये बोल रहा टच कर रहा है एट द वाई एक्सिस, अभी हम पढ़े, एक को कट कर रहा है वाई को टच कर रहा है, ये आर आ जाने से हो जाएगा। ये 4 आएगा क्या, अभी हम बच्चों पढ़े इसी का टिपिकल कंडीशन, जो x को कट कर रहा है y को टच कर रहा है। यही तो ये बीटा और 0 बीटा वही वाला सेम है, ये 0 बीटा में क्या टच कर रहा है, मैंने 04 में टच कर रहा है, x एक्स को कट कर रहा है, और ये 0 बीटा मीन्स ये आपका बीटा आएगा, ये लेंथ आपका बीटा आएगा, वही सेम क्वेश्चन है। ओके, सेम फॉर्म का है, तो देखो ये कितना आएगा, ये आपका 4 है, 4 आएगा कोऑर्डिनेट, 4 आएगा। ओके, ये 4 थी तो रेडियस कितना आएगा बोलो, ये 4 थी तो रेडियस कितना आएगा, ये तुम्हारा जितना हाइट है वही हाइट तुम्हारा ही आएगा, मीन्स ये कोऑर्डिनेट 1-4 आएगा। ओके, रेडियस बोलो कितना आएगा, ओके रेडियस नहीं, 3 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 16, ये रेडियस 5 आएगा, ये तुम्हारा ये रेडियस, ये वाला रेडियस आपका, ये वाला रेडियस कितना, और ये इंटरसेप्ट 3 था। ओके, रेडियस आपका 5 आया, क्या पूछा है फाइंड करना है, देन फाइंड द रेडियस, तो रेडियस 5 आएगा आपका। अरे नहीं समझे, ये वाई एक्स को टच कर रहा है, एक्स एक्स को इंटरसेप्ट बना रहा है, तो ये जितना हाइट पर टच कर रहा है ये तुम्हारा वही आएगा। ओके, ये जितना हाइट है वो भी उतना हाइट है, अगर ये 4 है ये, हाँ, और ये 3 है, ये इंटरसेप्ट 6 था, एक्स इंटरसेप्ट 6, तो इसको परपेंडिकुलर का ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कर्व, 3-3 आ जाएगा, 3-4 तो आर आ जाएगा पाइथागोरस में, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 का रूट, आर 5 आएगा। ओके, आंसर थोड़ा चेक कर लो, आर कितना आएगा थोड़ा आंसर चेक कर लो, ठीक है।
नेक्स्ट बच्चों, ये आईआईटी का प्रॉब्लम्स है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके।